हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, ए, एन एंड दा। बट आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हमको वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। किड्स, हमारी इंग्लिश अल्फाबेट फैमिली में 26 लेटर्स हैं, जिनमें से 5 लेटर्स ए, ई, आई, ओ एंड यू, इनको बोलते हैं वोवल्स, और बाकी जितने भी लेटर्स बच गए उनको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। किड्स, अब जब हमें वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पता चल गए हैं, तो अब हम जानेंगे आर्टिकल ब्रदर्स को, जो कि है ए, एन एंड दा। तीनों के तीनों भाई नाउंस की ओर इशारा करते हैं, यानी नाउंस के पहले लगाए जाते हैं। जो जुड़वा भाई है ए एंड एन, ये दोनों सिंगुलर नाउन को पॉइंट करते हैं, और इनमें से जो बड़ा भाई दा है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों नाउन की ओर इशारा करता है। आर्टिकल ए एंड एन आमतौर पर वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल एंड वन थिंग के साथ देखे जाते हैं। वैसे तो दोनों जुड़वा हैं, पर दोनों की अलग-अलग हॉबीज हैं। आर्टिकल ए ऐसे नाउन के साथ देखा जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल, अ बस, अ काओ, अ गर्ल, अ जू। आर्टिकल एन को ऐसे नाउंस को सुनना पसंद है जो वोवल के साउंड से शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑक्टोपस, एन इंक बॉटल, एन एलिफेंट। चलो अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें ये तीनों आर्टिकल ब्रदर्स एक साथ दिखें। दैट इज अ स्टॉल, देर इज एन अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल। ये देखकर हम कह सकते हैं कि आर्टिकल ए एंड एन सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। आर्टिकल द जब नाउन को किसी सेंटेंस में दूसरी बार बताया जाता है तब यूज होता है, इसीलिए इस सेंटेंस में द स्टॉल होगा। लेट्स रिव्यू। एन यूज होगा ए, ई, आई, ओ, यू से पहले, जो वोवल्स हैं। एप्पल, एप्पल शुरू होता है ए से, ए इज अ वोवल, सो एन एप्पल। एलिफेंट, जो कि शुरू होता है ई से, ई इज अ वोवल, सो एन एलिफेंट। आइसक्रीम, आइसक्रीम शुरू होता है आई से, एंड आई इज अ वोवल, सो एन आइसक्रीम। ऑरेंज, ऑरेंज शुरू होता है ओ से, ओ इज अ वोवल, सो एन ऑरेंज। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शुरू होता है यू से, यू इज अ वोवल, सो एन अम्ब्रेला। ए यूज होगा कॉन्सोनेंट्स के आगे, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। स्टार, जो कि शुरू होता है एस से, एस इज अ कॉन्सोनेंट, सो अ स्टार। बुक, जो कि शुरू होता है बी से, बी इज अ कॉन्सोनेंट, सो अ बुक। चाइल्ड, जो कि शुरू होता है सी से, सी इज अ चाइल्ड,
कॉन्सोनेंट, सो अ चाइल्ड। वुमन, जो कि शुरू होता है डब्ल्यू से, डब्ल्यू इज अ कॉन्सोनेंट, सो अ वुमन। द का यूज किसी भी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर नाउन के आगे लगता है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ लगता है, एंड जब किसी नाउन को सेकेंड टाइम बताया जाता है तब भी द लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन, सन मतलब सूरज, जो कि सिंगुलर है और पूरी दुनिया में भी एक ही है, यानी स्पेसिफिक है, इसीलिए इसके आगे द लगेगा। द मून, मून मीन्स चांद, अगेन मून भी सिंगुलर है और पूरी दुनिया में एक ही है, यानी स्पेसिफिक है, इसीलिए इसके आगे भी द लगेगा। द मून। द ताजमहल, ताजमहल भी सिंगुलर है और स्पेसिफिक भी है, इसीलिए इसके आगे भी द लगेगा। द डॉग्स, यहाँ बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है, एंड जब भी कोई नाउन प्लूरल होता है तो उसके आगे द लगाया जाता है। द किड्स, किड्स मतलब बच्चे, यहाँ भी प्लूरल की बात हो रही है तो द लगेगा, यानी द किड्स। द बुक्स, बुक्स मतलब किताबें, अगेन ये भी प्लूरल है तो इसके आगे भी द लगेगा।